दोस्तों, बॉडी बिल्डिंग को आमतौर पर मर्दों का ही खेल समझा जाता है, लेकिन अब बॉडी बिल्डिंग औरतों का भी पसंदीदा मशगला बन चुकी है और वुमेन बॉडी बिल्डर्स की वजह से दुनिया में औरतें शोहरत हासिल करने लगी हैं। और आज की इस वीडियो में हम आपको भारत की चंद फेमस और शर्मनाक वुमेन बॉडी बिल्डर्स के बारे में बताने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन को दबा दें। ममूता देवी जुमना। दोस्तों, 35 साल ममूता देवी भारत की पहली बॉडी बिल्डर वुमेन है जो बहुत देर तक अकेली ऐसी बॉडी बिल्डर वुमेन थी जिसने इंटरनेशनल कंपटीशन में मेडल अपने नाम किया था। नवंबर 2011 में ममूता ने अपने हस्बैंड की जेरे निगरानी बॉडी बिल्डिंग ट्रेनिंग का आगाज किया और जल्द ही फेमस वुमेन्स बॉडी बिल्डर बन गई। और ममूता देवी 49वीं एशियन बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल कर चुकी है। श्वेता राठौर। दोस्तों, श्वेता राठौर बॉडी बिल्डिंग करके सिल्वर मेडल अपने नाम कर चुकी है और श्वेता भारत की पहली ऐसी वुमेन बॉडी बिल्डर है जिसने वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल जीता था। और 2015 में श्वेता राठौर मिस एशिया का टाइटल भी अपने नाम कर चुकी है। यशमीन मानक। दोस्तों, चंडीगढ़ की रहने वाली यशमीन मानक मिस एशिया चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल हासिल करने वाली भारत की माया नाज वुमेन बॉडी बिल्डर है। बचपन में यशमीन एक रॉन्ग मेडिसिन यूज करने के बाइस बीमार पड़ गई, जिसकी वजह से इसके बाल तेजी से झड़ने लगे और जिस्म पर अजीब किस्म के निशानात उभरने लगे और इस तरह वो दिन ब दिन बीमार रहने लगी। डॉक्टर्स ने इसे एक्सरसाइज करने का मशवरा दिया। यशमीन ने अपने मसल स्ट्रॉन्ग करने की ठान ली और बॉडी बिल्डिंग की तरफ रुख किया। और आज यशमीन हर बॉडी बिल्डर लड़की के लिए बॉडी बिल्डिंग मॉडल बन चुकी है। रेबिता देवी। दोस्तों, रेबिता देवी एक बायोकेमिस्ट रह चुकी है और ममूता देवी के बाद यह दूसरी बॉडी बिल्डिंग वुमेन थी जो 2014 में मुंबई में होने वाली वर्ल्ड चैंपियनशिप की बॉडी बिल्डिंग कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीत चुकी है। लेकिन इसके बावजूद भी रेबिता को राह चलते लोगों की चिकनी चपड़ी बातें सुनना पड़ती हैं। यूरोपा भौमिक। सिर्फ 18 साल की यूरोपा 4 सालों से बॉडी बिल्डिंग कर रही है और 14 साल की उम्र से ही इसने इंडिया की यंगेस्ट बॉडी बिल्डर वुमेन का टाइटल अपने नाम किया। दोस्तों, यूरोपा की ये ख्वाहिश है कि वो ओलंपियन में पार्टिसिपेट करे और इसलिए वो दिन रात मेहनत करती है। यूरोपा के लिए ओलंपियन चैंपियन डैना लिन बनना मकसद है और यूरोपा का मोटिव डैना की तरह परफॉर्म करना है। सोनाली स्वामी। दोस्तों, सोनाली स्वामी एक सर्टिफाइड जंबो और बाक्वो इंस्ट्रक्टर है और अपनी हार्ड वर्क से सोनाली ये बात साबित कर चुकी है कि बॉडी बिल्डिंग सिर्फ मर्दों का ही काम नहीं। सोनाली के दो बच्चे भी हैं, लेकिन ये बखूबी अपने करियर को भी संभाले हुए है। तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना ही। आपको सबसे ज्यादा कौन सी बॉडी बिल्डर पसंद आई कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन को दबा दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।